हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाई SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइन्स के साथ। होती रहेगी मुलाकात तुमसे, होती रहेगी मुलाकात तुमसे, नज़र से दूर हो पर दिल से नहीं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली के डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और डेली रात 9 बजे कुरमाली क्विज इस ग्रुप में होता है, इसलिए आप सभी इस ग्रुप में ज़रूर ऐड होइए। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली साहित्यकार द्वारा लिखल पोथी देखने वाले हैं। इस टॉपिक में एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवरंग टुसु गीत पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि नवरंग टुसु गीत किताब किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी खुदीराम महतो, ऑप्शन सी बिनन सिंह या ऑप्शन डी कालीपदो महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ महतो। नवरंग टुसु गीत जो है देवेंद्रनाथ महतो जी ने लिखा। ध्यान दीजिएगा, नवरंग टुसु गीत जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि केरिया बहु किताब किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी आनंद महतो, ऑप्शन सी बसंत कुमार मेहता या ऑप्शन डी कालीपदो महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीपदो महतो। केरिया बहु किताब जो है कालीपदो महतो जी ने लिखा। ध्यान दीजिएगा, केरिया बहु जो किताब है इसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुरुंग पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि फुरुंग जो किताब है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए केशव चंद्र महतो, ऑप्शन बी केशव चंद्र मेहता, ऑप्शन सी केशव चंद्र या ऑप्शन डी मिनन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र महतो। फुरुंग पुस्तक जो है केशव चंद्र महतो जी ने लिखा। ध्यान दीजिएगा, फुरुंग पुस्तक का प्रकाशन जो है 1982 ईस्वी में किया गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली भाषा तत्व पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि कुरमाली भाषा तत्व पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए आनंद महतो, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुदीराम महतो। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली भाषा तत्व पुस्तक जो है खुदीराम महतो जी ने लिखा और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1973 ईस्वी में किया गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टि धरे गीत पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि सृष्टि धरे गीत जो पुस्तक है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए सृष्टिधर महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी आनंद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर HN सिंह। सृष्टिधर गीत पुस्तक जो है डॉक्टर HN सिंह ने लिखा और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1908 ईस्वी में किया गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु पथिटा कौन बछरे छापल आहे, यानी कि केरिया बहु जो पुस्तक है ये कौन सा साल में छापा गया। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1983। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1983। केरिया बहु पुस्तक का प्रकाशन जो है 1983 ईस्वी में किया गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपन अपन पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि
सपन आपन पुस्तक किन्होंने लिखा? ऑप्शन ए खुदीराम माथो, ऑप्शन बी खुदीराम मेहता, ऑप्शन सी आनंद माथो या ऑप्शन डी आनंद माथो केसरियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद माथो केसरियार। ध्यान दीजिएगा, सपन अपन पुस्तक जो है आनंद माथो केसरियार जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपन अपन पथिटा कौन बछरे छपल आहे, यानी कि सपन अपन जो पुस्तक जो है कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1983। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1983। सपन अपन पुस्तक का जो है 1983 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जय पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि गांधी जय पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ माथो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ मेहता, ऑप्शन सी आनंद माथो या ऑप्शन डी एच एन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ माथो। गांधी जय पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ माथो के द्वारा लिखा गया। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जय पथिटा कौन बछरे छापल आहे, यानी कि गांधी जय जो किताब है ये कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1997। गांधी जय पुस्तक जो है 1997 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह डहरे पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि यह डहरे पुस्तक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर एच एन सिंह, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ सिंह, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी आनंद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच एन सिंह। यह डहरे जो किताब है डॉक्टर एच एन सिंह के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवर्णिमा पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि सवर्णिमा पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए आनंद माथो, ऑप्शन बी विनंद सिंह, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ माथो या ऑप्शन डी खुदीराम माथो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ माथो। सवर्णिमा पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ माथो जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली साहित्यिक इतिहास पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि कुरमाली साहित्यिक इतिहास पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए कालीपदो माथो, ऑप्शन बी खुदीराम मेहता, ऑप्शन सी खुदीराम माथो या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुदीराम महतो। कुरमाली साहित्यिक इतिहास पुस्तक जो है खुदीराम महतो जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली कहनी जुड़ती पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि कुरमाली कहनी जुड़ती पुस्तक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए चंद्रमोहन मेहता, ऑप्शन बी चंद्रमोहन महतो, ऑप्शन सी कालीपदो महतो या ऑप्शन डी आनंद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमोहन महतो। कुरमाली कहनी जुड़ती पथिटा यानी कि पुस्तक जो है चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली कहने जुड़ती पथिटा कौन बछरे छापल आहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982। कुरमाली कहने जुड़ती पुस्तक जो है 1982 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरु पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि पुरु पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए केशव चंद्र मेहता, ऑप्शन बी केशव चंद्र महतो, ऑप्शन सी केशव चंद्र महतो हिंदुआर या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ महतो।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र महतो हिंदू आर। पूर्व पुस्तक जो है केशव चंद्र महतो हिंदू आर के द्वारा लिखा गया जाल ही नाटक कने लिखल आहे, यानी कि जाल ही नाटक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए आनंद सिंह, ऑप्शन बी आनंद महतो, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद महतो। जालही नाटक जो है आनंद महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा सरोवर पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि शिक्षा सरोवर पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी मीनंद सिंह या ऑप्शन डी आनंद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ महतो। शिक्षा सरोवर जो है देवेंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा सरोवर कौन बछड़े छापल आए, यानी कि शिक्षा सरोवर कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 2004। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004। शिक्षा सरोवर जो है 2004 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबरनिमा कविता कने लिखल आहे, यानी कि सबरनिमा कविता जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ मेहता, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ महतो। सबरनिमा कविता जो है सुरेंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबरनिमा कविता कौन बछड़े छापल आवे, यानी कि सबरनिमा कविता जो है कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। सबरनिमा कविता जो है 2005 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पलाश फूल कविता कने लिखल आए, यानी कि पलाश फूल कविता किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए नेताई चंद्र महतो, ऑप्शन बी मुक्तिपद महतो, ऑप्शन सी ज्योतिलाल महतो या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिलाल महतो। पलाश फूल कविता जो है ज्योतिलाल महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पलाश फूल कविता कौन बछड़े छापल आहे, यानी कि पलाश फूल कविता जो है कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2009। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007। पलाश फूल कविता जो है 2007 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टोपा फूल पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि एक टोपा फूल पुस्तक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए मानसिंह महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी मुक्तिपद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्तिपद महतो। ध्यान दीजिएगा, एक टोपा फूल पुस्तक जो है मुक्तिपद महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टोपा फूल कौन बछड़े छापल आहे, यानी कि एक टोपा फूल कौन से साल में छापा गया। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2013। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2012। एक टोपा फूल जो है 2012 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंदूर काजर टा किना है तिक, यानी कि सिंदूर काजर क्या है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता या ऑप्शन डी झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूमर। सिंदूर काजर जो है झूमर है, इसे आनंद महतो जी ने लिखा। तो
अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली लोक गीत कने लिखल आहे, यानी कि कुरमाली लोक गीत किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ सिंह, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ सिंह, या ऑप्शन डी डॉक्टर वृंदावन महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर वृंदावन महतो। कुरमाली लोक गीत जो है डॉक्टर वृंदावन महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सादा हाथी नाटक कने लिखल आहे, यानी कि सादा हाथी नाटक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए नीताई चंद्र महतो, ऑप्शन बी अशोक कुमार महतो, ऑप्शन सी संजय प्रमाणिक, या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीताई चंद्र महतो। सादा हाथी नाटक जो है नीताई चंद्र महतो के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सादा हाथी नाटक कौन बछड़े छापल आहे, यानी कि सादा हाथी नाटक जो है कौन से साल में छाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। सादा हाथी नाटक जो है 2016 ईस्वी में छापा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंधेरिया रात उपन्यासटा कने लिखल आहे, यानी कि आंधेरिया रात उपन्यास किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए नीता चंद्र महतो, ऑप्शन बी ज्योतिलाल महतो, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो, या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीताई चंद्र महतो। आंधेरिया रात जो है नीताई चंद्र महतो के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन जो है 2012 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो कने लिखल आहे, यानी कि कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजा राम महतो, ऑप्शन बी मिलन सिंह, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो, या ऑप्शन डी डॉक्टर मंजय प्रमाणिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर मंजय प्रमाणिक। कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो पुस्तक जो है डॉक्टर मंजय प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो कौन बछड़े छापल आहे, यानी कि कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो पुस्तक का प्रकाशन कौन से साल में हुआ। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, या ऑप्शन डी 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2021। कुरमाली भाषा संस्कृति के साधक डॉक्टर राजा राम महतो पुस्तक का जो है 2021 ईस्वी में छापा गया। तो दोस्तों ये था कुरमाली साहित्यकार द्वारा लिखल पथी। इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, इसलिए इस टॉपिक्स को अच्छे से करिएगा और इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।